दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा तरीका जिसको यूज करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वाले लोगों को हटाने में जो काई मास्टर का लोगो होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि YouTube पर वीडियो बनाते होंगे लेकिन उनका यही प्रॉब्लम सामने आ रही है, वो कोई भी ऐप को मोड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो अभी वो नहीं हो रहा है। पहले आसानी से हो जाता क्योंकि पहले इतना महंगा नहीं था, उसका प्रीमियम बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया है। आपको सिर्फ लोगो हटाने के हजारों से ऊपर रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप आसानी से काइन मास्टर पर से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और उस लोगो को भी आसानी से हटा सकते हो। मैं आपको कोई वेबसाइट या कोई लिंक नहीं दूंगा मोड ऐप की, मैं इजीली प्ले स्टोर से जो हमारा काइन मास्टर होता है ओरिजिनल वही आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और उसी से ही जो है मैं उसको काइन मास्टर वाले लोगो को गायब करके दिखाऊंगा। ये तरीका बहुत ही आसान है। अभी थोड़े टाइम पहले जब मेरे भाई का फोन आया था मेरे ऊपर कि भाई वीडियो नहीं बना रहा है, तो मैंने उसको बोला कि भाई सोच रहा हूँ अभी कहीं काम करता हूँ वीएन पे वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि काइन मास्टर तो अभी डाउनलोड हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने फोन काटा थोड़ी देर में बाहर बैठने का, तभी मेरे दिमाग में बहुत ही आसान आइडिया आई कि जिसकी वजह से मैं आसानी से काइन मास्टर पर से वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ और उस वोटर मार्क को भी हटा सकता हूँ। दोस्तों अगर आप भी ये ट्रिक आजमाना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बाद में बेल है उसको भी ऑल पर क्लिक कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको पहले प्ले स्टोर पर जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है अभी थोड़े टाइम पहले ये इंस्टॉल किया है काइन मास्टर और इसके ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वीडियो एडिटिंग में। यहाँ पर इसके मिलियंस में 100 मिलियंस में डाउनलोडर है। तो हमें क्या करना है उस लोगों को हटाने के लिए, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करना है, अपना काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है न्यू प्रोजेक्ट हम क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है क्रिएट और यहाँ से हम एक वीडियो चूज़ कर लेते हैं। ये जो मैंने अभी डाउनलोड किया है मेरा वीडियो वो मैं अभी यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है इसलिए जो है मैं इसका थोड़ा सा ही पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जो है थोड़ा सा ही वीडियो ले रहा हूँ और बाकी का जो है पीछे का सब कुछ कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है आपको लोगो दिख रहा है और इस लोगो को मैं आसानी से हटा के दिखाऊंगा अभी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को जो हमने एडिटिंग कर लेना है, हमें जो लगाना है सब कुछ लगा लेना है, पूरा वीडियो एडिटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें ये एक्सपोर्ट करना है। तो ये एक्सपोर्ट होता है तब तक के लिए मैं थोड़ा टाइम वीडियो को स्किप करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारी प्रोसेस खत्म हो गई, एक्सपोर्ट हो गया वीडियो। फिर आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा भी ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वीएन। यही आपको बहुत काम आएगा क्योंकि इसी से हम अपने लोगों को हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से और काइन मास्टर की एडिटिंग करके हमें उससे एक्सपोर्ट करना है, फिर यहाँ पर उससे थोड़ा और एडिटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से। वैसे ये इस ऐप से भी आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हो इसमें, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एक बार मैंने जो पूरा वीडियो शूट कर लिया था उसकी जो है मैंने एक्सपोर्ट किया उसके बाद जो उसका पीछे का पूरा बैकग्राउंड जो है हट गया था, पूरा बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा था और मैंने इतनी सारी मेहनत की थी लेकिन उस वीडियो में वो प्रॉब्लम, मुझे पूरा वीडियो डिलीट मारना पड़ा। लेकिन अब हमें इसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना है, हमें सिर्फ थोड़ा सी इसमें थोड़ा सा ही काम करना है, उसके बाद जो है अपना लोगो पूरा गायब हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस जो है ख़त्म हो गया है। तो अब मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से जो है अपना जो अपना प्रोफाइल लोगो होता है जो यूट्यूब पर अपना प्रोफाइल लोगो, उसको हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर उसका बैकग्राउंड हटा देना है, जैसे मैंने जो वो बैकग्राउंड रिमूव वाला वेबसाइट है उस पर से हटा दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हो जो कि ये बहुत सारे यूट्यूबर जो है ट्राई रखते हैं इस तरीके का लोगो। और यहाँ पर जो नीचे जो काइन मास्टर जो है हमें दिख रहा है अभी भी, तो उसको भी हम हटा देंगे आसानी से। ये अच्छे से अब जो है सेट हो गया, अब हमें जो काइन मास्टर लिखा है उसको भी हम हटा दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम पे से जो सब्सक्राइब वाला कोई वेबसाइट होता है जिसपे से हम किसी को ऐसे जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसके लिए हमें क्रोम पर जाना होगा और क्रोम पे यहाँ पर जो है सब्सक्राइब लोगो यहाँ पर सर्च करना है। इसके बाद इमेज पे जाना है और यहाँ से आपको एक कोई भी अच्छा जो है बिल्कुल ऐसा नाप का हो उस तरीके का फोटो ले लेना है जैसे ये है, और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको थोड़ा ऐसा एडिट करना है, इसको लेके जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा ही करता जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है तो हम कोई दूसरा वाला फ़ोटो लेते हैं। दूसरा वाला मिल चुका है यहाँ पर और इस ये बिल्कुल ऐसे सही नाप का आ रहा है यहाँ पर। तो अब हम इसको लगाते हैं, जो पिछला वाला था वो हमें सही से नहीं लगा इसलिए अब हमें फिर से यहाँ पर वही वाली प्रोसेस करनी है। जो ये वाला फ़ोटो जो ऊपर लगाते हैं उस पर क्लिक करना है, वहाँ से फिर वीडियो और फोटो, और फिर यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से उस फोटो को ले लेना है और फिर उसको लेने के बाद ऐसा छोटा कर देना है और यहाँ से हमें ये ऐसा लाइन में इधर से रख देना है। उसके बाद जो क्या होगा कि आपके जो वीडियो देखने वाले हैं उनको भी याद रहेगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है अच्छा भी लगता है ये देखने में। और याद करके इन दोनों को ऐसे पूरा ऐसा यहाँ तक पीछे तक जहाँ तक आप वीडियो पूरा ऐसा खींच लेना है। और लास्ट में वीएन पे एक प्रॉब्लम होती है लेकिन हम उसको आसानी से हटा देते हैं, जैसे हमारा काइन मास्टर में लोगो आता है ऐसा इसमें भी जो लास्ट में कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है तो हम इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं, तो इसे हमें जरूर डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हो गया और
अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा तरीका क्या है जिसके ऊपर आपको ऐसा कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो हम इसे हटा देते हैं। तो ये दूसरा तरीका कुछ इस तरीके, आपको जो आपका वीडियो इस पर डबल टैप करना है और यहाँ से आपको इसे जूम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल आसानी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ये पूरा वीडियो जो है विदाउट लोगो यहाँ पर हमारा हो गया है। तो अब मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कितना अच्छा जो है हमारा, बिल्कुल ऐसा काइन मास्टर कुछ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने काइन मास्टर पर एडिटिंग किया है। तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। मैं आपको MX Player पर जाकर दिखाता हूँ जो है हमारा कितना मस्त वीडियो है। इसकी क्वालिटी सही नहीं है क्योंकि मैंने डाउनलोड ही सही से नहीं किया, ऐसे बेकार सी क्वालिटी में कर लिया था। लेकिन जो है ये तरीका आप देख रहे हो इससे कि जो है आपके जो ये बिल्कुल भी अच्छा लग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारा पूरा लोगो जो है गायब हो चुका है। दोस्तों तो आपको ये तरीका कैसा लगा करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि जो भी बाकी के वीडियो क्रिएटर हैं वो भी इस तरीके का आजमा सके और आसानी से अपनी वीडियो जो है एडिटिंग कर सके। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।